समाजवादी पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता और महासचिव के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनके व्यक्तित्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने देश की राजनीति में योगदान करने वाले नेता चौधरी चरण सिंह पर अपने विचार व्यक्त किए और उनको भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। कार्यक्रम RS यादव के नेतृत्व में किया गया और जिसमें उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे मार्गदर्शक मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की स्थापना की और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग का अनुसरण करते हुए अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखने वाली समाजवादी विचारधारा का आने वाले समय में हमें शीतल छाया प्रदान करने वाला वटवृक्ष बना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी केवल राजनेता ही नहीं थे, किसानों के नेता ही नहीं थे, किसी पार्टी के विशेष के अध्यक्ष ही नहीं थे, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ही न हो, प्रधानमंत्री न हो, वो तो एक विचारधारा थी, एक आंदोलन का नाम थे। ऐसी व्यक्ति जिसने हमेशा गांव गरीब किसान मजदूर शोषितों पीड़ितों अकलियों अकलियत के लोगों की समस्याएं उठाई हैं। हमारा जब देश अंग्रेजों के कब्जे में था, देश आज़ाद हुआ बाद में भी, और आज तक की जो समस्याएं उन्हें बाय खड़ी हैं, उन समस्याओं को लेकर चाहे चौधरी साहब का योगदान है, उसे हमेशा हमेशा लोगों तक याद किया जाए। विचारधारा व्यक्ति चला जाता है, शरीर चला जाता है, लेकिन उसकी विचारधारा, उसके काम, उनका काम का निष्काम भाव से काम किया, विचार थे, सब विचार थे, जनता का जो काम किया, हित के काम किए, सभी सभी को याद करेंगे। उसी विचारधारा को हमारे माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने आगे बढ़ाया। उनकी सोच, डॉक्टर लोहिया की सोच, बाबा भीमराव अम्बेडकर की सोच और अनेक साथी जैसे राजनाथ जी, मधुले राम सेवक यादव जी आज अनेक सकता हैं, जिनका उनका साथ, उनके करार, उनके कार्य नेताजी ने हमेशा उनको आगे बढ़ाया। और एक समाजवादी समाज के हितों के लिए, पीड़ितों के हितों के लिए, मजदूरों को हितों के लिए, किसानों के हितों के लिए, जो एक समाज का समाजवादी नाम का एक पेड़ खड़ा किया है, उसको आगे ले जाने का काम आज उनके पुत्र ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अखिलेश यादव इस पेड़ को अपने सुविचार से, सत्कर्मों से, निष्काम भाव कर्मों से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनमें ये काबिलियत है, सहज हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, और खेत खलिहान से भी पारंगत हैं, अपनी शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। सर एक सवाल, जैसे आज उनका जन्म पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहाँ जहाँ भी हमारे पार्टी के यूनिट्स हैं देश में, हर जगह आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, संविधान दिवस के रूप में यहाँ मना रहे हैं। हमारी सरकार से ये मांग रहेगी, भी मांग करेंगे, हमारे पूरे समाज का मनाया करेंगे, चौधरी साहब के देश के लिए जो योगदान उन्होंने किया हुआ है, किया है, उसके लिए हम किसान दिवस के रूप में से मनाएं। आज के दिन हम तो ये भी कहें कि आज के दिन हमेशा जैसे और महान हस्तियों के नाम पर छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियों का अवकाश भी करें और भारत रत्न इनको दिया जाए। इस इनका योगदान, चौधरी थरापुत्र चरण सिंह का योगदान, किसी भी आज़ादी से पहले, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब, और आज़ादी के बाद आज भी
महत्वपूर्ण का योगदान जिसे कमतर नहीं आका जा सकता, तो इसकी मांग समाजवादी पार्टी करेगी कि भारत में